नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ में हूँ प्रदीप तरमोला। पौड़ी जनपद के चौपट्टा खाल विधानसभा के सतपुली तहसील अंतर्गत 20 वर्षीय युवती ने एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में युवती के परिजनों ने SDM से कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही युवती ने युवक पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। युवती ने बताया कि पहले तो युवक द्वारा उसके साथ शादी का वादा किया गया, जिसके बाद युवक ने बहला फुसला कर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया और जब युवती गर्भवती हो गई तो शादी से इनकार कर दिया। युवती व उसके परिजनों का कहना है कि युवक द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इसमें अभी अभी मुझे हाल ही में एक तहरीर प्राप्त हुई है जो मेरे क्षेत्र अंतर्गत है, तो इसमें एक नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें मैं नायब तहसीलदार लेवल से जांच करवा रहा हूँ। इसमें जो भी होगा आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो पूर्ण रूप से अमल में लाई जाएगी। बाशपुर में व्यापारियों ने खाद्य पदार्थों पर लगाई गई GST के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला फूंका और सरकार से खाद्य पदार्थों पर लगाई गई GST को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान व्यापारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सत्यवान गर्ग ने कहा कि खाद्य पदार्थों पर GST लगाकर सरकार उत्पीड़न करने का काम कर रही है और बड़े औद्योगिक घरानों को इसका लाभ पहुंचाना चाहती है। बाशपुर कोतवाली पुलिस ने दो युवकों को 341 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। वहीं पुलिस को पकड़े गए आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। CO वंदना वर्मा ने बताया कि नशे की तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है, जिसके चलते पुलिस को सफलता हाथ लगी है। ये जो अवैध पदार्थों की तस्करी हो रही है, इसके खिलाफ बाजपुर पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए एक मुखबिर की सूचना के आधार पर कल चेकिंग के दौरान बेरिया रोड से हमने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक तौफीक अहमद और दूसरा अजय, ये दोनों ही नमूना बरहनी के रहने वाले हैं और इनके द्वारा मोटरसाइकिल में लगभग 341 ग्राम चरस की खेप को ले जाया जा रहा था। तो इसमें इनकी चेकिंग के दौरान इसमें पकड़ा गया है और इनके द्वारा बताया गया है कि बरेली से ये लोग इसको लाते हैं और यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति को बेचते हैं। जो तीसरे व्यक्ति का नाम इसमें आ रहा है उसकी भी इसमें जांच पड़ताल की जा रही है, उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है वो भी देखा जा रहा है और इसके आधार पर अभी फिलहाल इन दोनों व्यक्तियों का रिमांड किया जा रहा है और माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हें पेश किया जा रहा है। खबर राजधानी देहरादून के ISBT से करीब 2 किलोमीटर दूर मोहब्बे वाले की है, जहां पर स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर बरसाती नाला था, जिससे वीरा मार्वल के मालिक उमेश गर्ग द्वारा जमीन लेने के बाद नाले के ऊपर अतिक्रमण कर बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मामले में उन्होंने क्षेत्र के पार्षद, विधायक से लेकर नगर निगम तक को गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक किसी की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला है। नाले के बगल में ही हमारा घर है, तो लास्ट वीक जो बारिश हुई थी, तो मतलब पूरा दिन बारिश थी, पूरा पानी यहाँ का, पूरे कॉलोनी का पानी भर के इस नाले में आया और मेरे घर तक पूरा पानी गया है। उसके बाद हमने पार्षद को या नगर निगम सबको बताया, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। बस उन्होंने ये बोला कि ठीक है, पानी हम क्या कर सकते हैं इसमें, सिर्फ यही बोला गया मुझे। और घर के बाहर जो पानी आता है, स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पे, जितनी फैक्ट्रीज वगैरह सब जाते हैं, कोई ना कोई गिरता है, किसी की गाड़ी गिरी रहती है, पानी में फंसे रहते हैं हर कोई। तो मतलब परेशानी तो है, पर ये नाले को यही है कि मालिक से वही बोला जाए कि भाई ये नाला किसी तरह तो खोल दे, ताकि यहाँ का कॉलोनी का पूरा पानी बाहर जा सके। यहाँ पे विधायक जी पहुँचे, उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला? कुछ भी नहीं, उन्होंने भी बोला ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। रिस्पॉन्स हम लोगों को कुछ नहीं दिया, वो फैक्ट्री के जो मालिक है उसके पास जाते हैं, वहाँ से क्या बात होती है वही जाते हैं। विकासनगर के ब्राइट एंजल स्कूल के बच्चों ने पौधारोपण किया है। इस दौरान बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। वहीं स्कूली बच्चों ने कहा कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसको देखते हुए पूरे देश में सभी को पौधारोपण करना चाहिए और हर व्यक्ति को एक पौधा लगाना चाहिए। वीर चंद्र सिंह गढ़वाले की जन्मभूमि पीठसैंण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से आवासीय विद्यालय बनेगा, जिसमें 100 गरीब तबके के बच्चे अपना पठन पाठन कर सकेंगे। काम ये हो रहा है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जो हमारी धरती है पीठ से, वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे हम एक 100 बच्चों का आवासीय विद्यालय बना रहे हैं, जिसमें 100 गरीब बच्चे पढ़ेंगे और उसी हॉस्टल में वो रहेंगे। इस लगभग 4.5 करोड़ रुपये की लागत से वो बन रहे हैं।
जनपद उद्धम सिंह नगर के खटीमा में रुक रुक कर हो रही बरसात के कारण निर्माणधीन मकान का लेंटर गिर गया, जिसमें दो मजदूर फंस गए, जिनमें से एक मजदूर को बाहर निकाल दिया गया है, जबकि दूसरे को बाहर निकालने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। मारपीट व एससी एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ने 5 छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया है। 12/7/2022 को यहाँ पर एक एससी एसटी का मुकदमा दर्ज हुआ था, ये गौरव सोनकर से, तो उसमें जो है 5 लोग नामजद थे, उनको जो है कल उनको 41 का नोटिस दिया, वो घर पर भी नहीं मिले थे। फिर उसके बाद जो है उनकी 55 CRPC का नोटिस देकर के कल SOG ने उनको नैनीताल से सुबह 9:30 बजे जो है गिरफ्तार किया। उसके बाद जो है उनको कोर्ट में पेश कर उसको रिमांड पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 3 शावकों के साथ घूमती बाघिन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके चलते वन विभाग अलर्ट हो गया है। पेड़ों के अवैध कटान और लकड़ी तस्करी को लेकर वन विभाग सख्त हो गया है, जिसके चलते लकड़ी तस्करी रोकथाम को लेकर रैंडम चेकिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी, ये हमारे कार्रवाई चलता रहेगा, ये क्योंकि हमारे में हमको ये इन्फॉर्मेशन आ रहा था कि कहीं ऐसे अवैध पतन जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए ऐसे रैंडम चेक्स किया जा रहा है, ताकि ऐसे उनको भी लगे कि कोई भी ऐसे कर रहे हैं, अवैध पतन कर रहे, तो उनको भी थोड़ा डर लगे और बाकी हमारा भी सही सब तरीके से सही चले, तो इसी कर इन्फॉर्मेशन मिला था। लेकिन ऐसे कुछ नहीं है, ये तो रैंडम चेक है, ऐसे इनका अभी तो कर ही रहे सब कार्रवाई। चमोली के थराली में GST सर्वे के विरोध में व्यापारियों ने तहसील कूच किया और सरकार और GST विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वन कर्मियों की सुरक्षा के लिए नया कदम उठाया गया है, अब वन कर्मियों को फॉरेस्ट किट सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जो है मानव वन्य जीव के जो प्रकरण है उसमें बहुत सारे जो जंगली जीव हैं उनको रेस्क्यू करना पड़ता है, और टाइगर लेपर्ड आदि कुछ ऐसे जीव हैं जिनके रेस्क्यू के समय जो है कर्मचारियों की भी पूरी सुरक्षा जो है उसका ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। इसी क्रम में जो है अभी हमने 2 रेस्क्यू किट्स बॉडी प्रोटेक्टर जो है वो क्रैक किए गए हैं, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि अगर कोई जंगली जानवर के साथ रेस्क्यू के दौरान एनकाउंटर होता है तो वो जो हमारा कर्मचारी है उसके प्रोटेक्शन के लिए वो प्रोटेक्शन किट जो है वो काफ़ी हद तक उसको कम से कम उसके सर गला एवं जो बॉडी है उस पर खरोचे आने से बचाया जा सकेगा। तो इसी क्रम में हमने 2 जो है QRT क्विक रिस्पॉन्स टीम्स जो है जो वाइल्ड लाइफ की हैं उसका गठन किया गया था, और प्रत्येक QRT टीम को जो है एक किट दी गई है, और हमारे द्वारा इसको जो है रेस्क्यू के दौरान जो है इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, और अभी भविष्य में भी हमारे द्वारा कुछ अन्य किटें भी इस तरह की जो है उसका क्रय किया जाएगा, ताकि जो कर्मचारी फ्रंट लाइन पे है और रेस्क्यू के समय मानव वन्य जीव संघर्ष में जो है जूझते हैं उनके संरक्षण का, उनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाए। फिलहाल खास बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।